दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बेब्लेड एंड टॉप कलेक्शन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो कमाल की बेब्लेड हमारे पास है और यहाँ पे कुछ टॉप भी मेरे पास है जो यार काफी दिनों से मैं मार्केट में देख रहा था। तो फिलहाल जल्दी से एक एक करके करते हैं इन चारों की अनबॉक्सिंग और देखते हैं इनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ टॉयज एंड गेम्स एक्सपेरिमेंट किट और कई तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वाले बॉक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यार बेब्लेड के बारे में वैसे मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, बट फिलहाल ये आपको बता दूँ कि ये लोकल वाली बेब्लेड नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये सी है कुछ, B82 बूस्टर बैलेंस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका कुछ टाइप है ऑल्टर क्रोनोस 6MT। तो जल्दी से इसे निकाल लेते हैं बाहर और आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा क्वालिटी देख के कि ये किस टाइप की बेब्लेड है। तो दोस्तों ये है इसका लॉन्चर और इसकी क्वालिटी से आपको आइडिया लग गया होगा कि कितनी बढ़िया ये किट है बेब्लेड की। उसके बाद ये है लॉन्चर स्ट्रिंग और इसकी स्ट्रेंथ जो है काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी मोटी भी है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये स्ट्रिंग पे लगा के जो हम खींचते हैं। और फाइनली जो है अपनी बेब्लेड को एक बार निकाल लेते हैं। अरे वाह, मज़ा आ गया भाई। तो यार आप देख रहे होंगे कि यार कितनी कमाल की ये बेब्लेड है। तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कितनी बेहतरीन बेब्लेड है ये, बिल्कुल असली जिसे बोलते हैं ना मक्खन जैसी, बिल्कुल वैसी ही है। फिलहाल इसके सारे पार्ट्स असेंबल आप कर सकते हो और डिसेंबल भी कर सकते हो। मेरे को इतना लगाना वगाना भी सही से नहीं आता, बट ये मैंने फिलहाल लॉक कर दिया। बट एक और पार्ट यहाँ पे है जो बीच में कहीं लगेगा। फिलहाल जल्दी से इसको असेंबल करते हैं और तब तक दूसरे बेब्लेड की अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों दूसरी जो बेब्लेड है उसका नाम है B105 स्टार्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस और इसके नीचे यहाँ पे जो इसका नाम है जेड आर्चलीज 11.XT। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें लॉन्चर देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये है स्ट्रिंग और ये देखिए आप, यहाँ आप इससे भी इसे लॉन्च कर सकते हो। और यहाँ पे हमारी ये है मेन बेब्लेड। तो ये देखने में तीन पार्ट्स हैं इसके। फिलहाल काफ़ी बेहतरीन लग रही है ये वाला डिज़ाइन। और ये देखिए जल्दी से इसे भी हम जोड़ देंगे तो बहुत ही सिंपली ये अटैच हो जाती है। तो ये अब जुड़ चुकी है और डिज़ाइन देखिए आप, बिल्कुल मतलब कह रहे भैया बिल्कुल। तो दोस्तों ये है लॉन्चर का हैंडल और ये है हमारा मेन लॉन्चर, कुछ इस तरह से आप ये जो फिक्स हो गया है। अब यहाँ पे सेम उसी तरह से हम स्ट्रिंग को डालेंगे, इसके नीचे बेब्लेड फंसाएंगे तो कुछ इस तरह से अभी बिल्कुल परफेक्टली वो घूम रही है। तो चलिए अब हमारे पास दो बेब्लेड हो चुकी है तो इनकी एक बैटल करके देखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट वहाँ पे हमें निकलता है। दोस्तों बेब्लेड तो आपने देख ली, बट यहाँ पे मेरे पास है तीन स्पिनिंग टॉप्स। तो पहले दोनों के ही बॉक्स खोल लेते हैं, उसके बाद में इनकी बात करेंगे और इनकी भी एक बार फाइट करके देखेंगे। तो पहले ये वाला बक्सा ही खोल लेते हैं भैया। दोस्तों स्पिनिंग टॉप्स बाहर आ चुके हैं, जल्दी से आपको एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद इनकी फाइट करवाएंगे। फिलहाल यहां पे मार्वल एवेंजर्स के दो कैरेक्टर लिए हैं, थॉर और विजन। और टॉप की क्वालिटी अगर मैं आपको बताऊं ना तो बस ओके ही है, मुझे नहीं पता ये कैसे काम करेगी, कितना चलेंगी। फिलहाल यहां पे बड़े कूल से दिखने वाले इनके लॉन्चर है दोनों के, ब्लू और रेड। और यहां पे आप स्ट्रिंग ये जो थ्रेड है वो देख रहे होंगे, इसे हम पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये लॉन्च हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले की। तो यहां पे यार एवेंजर्स तो नहीं, पर पता नहीं कौन सा कैरेक्टर है बीच में। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर लिखना भैया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल यहाँ पे क्वालिटी सब ओके ही है, बट अगर बात करेंगे इन दोनों के कंपैरिजन की तो ये जो है काफ़ी बड़ा टॉप है और ये जो है वो उसके मुकाबले हल्का भी और छोटा भी है। तो इन बातों से मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता भैया, मुझे फ़र्क पड़ता है कि ये चलते कैसे हैं और कितनी तेज़ घूमते हैं और क्या तहलका मचाते हैं। फिलहाल जल्दी से इनकी भी करते हैं एक बैटल और उसके बाद एक करेंगे क्विक रिव्यू। तो
Thank you.